जय हिंद दोस्तों, ऑल इंडियन जॉब में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं इंडियन नेवी SSR AA के रिजल्ट के बारे में, और कितने स्टूडेंट का रिजल्ट आएगा इसमें हम बात करेंगे, और फिजिकल किस प्रकार से होने वाला है इसके बारे में बात करेंगे। मैं बता दूं, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर अभी तक नए हैं तो वीडियो के नीचे लाल बटन सब्सक्राइब जरूर दबा दें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे हर अपडेट सबसे पहले आप तक हम पहुँचा सकें। चलिए ले चलते हैं वीडियो की ओर। कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर आप बता सकते हैं। तो फ्रेंड, आपको डिस्प्ले पर दिख रहा होगा जैसे भारतीय नौसेना नाविक परिणाम, परिणाम मतलब रिजल्ट किस दिन से आने वाले हैं इसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए यहाँ हम आपको एक बार और फिर से लेकर आते हैं। उस टाइम आपको मैं पिछले बार में नहीं बता पाया था कि आपको कितने स्टूडेंट का रिजल्ट आएगा, बस ओनली फॉर आपको मैं डेट क्लियर कर दिया था। तो इस वीडियो में डेट और फिजिकल्स किस प्रकार होगी दोनों चीज़ एक बार मैं फिर से लेकर आ गया हूँ। तो मैं बता दूँ आपको, परीक्षा के 30 दिन बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो वो डेट क्या है वो भी आपको हम क्लियर कर देंगे इस वीडियो में। और एक सबसे बड़ी बात जो आपने देखी होगी कि 10,000 उम्मीदवारों के लिए रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो टोटल आपको मैं बता दूँ, SSR ये आपका कितना था, 2200 सीट थे, और AA में 500, टोटल आपका कितना हो गया, 2700 टोटल सीट हो गए, ठीक है। तो 2700 हो गया, तो ये तो टोटल क्वालिफाई ओनली फॉर आपको क्वालिफाई जितने होंगे स्टूडेंट उनका रिजल्ट इस पर बनेगा। तो ये 10,000 उम्मीदवार किस लिए आपको बेसी बुला, इतना ज़्यादा क्यों बुला रहा है, लगभग एक सीट पर 3.5 या 4 लड़के के आसपास आपको बुला, 4 लड़के के आसपास आपको रखा जाएगा। 10,000 से ज़्यादा भी हो सकता है, मतलब 1100 कुछ हो सकते हैं। आपको बता दूँ इसलिए कि आपको देखिए जो यहाँ दिख रहा है आपको PHT टेस्ट और मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा 10,000 उम्मीदवारों को, ज़्यादा नहीं, आपको 10,000 उम्मीदवारों को बुलाया जाएगा। तो इसमें जो बुलाया जाएगा तो इसमें से जो फिजिकल पास करेंगे और मेडिकल पास करेंगे उनको ही आगे के लिए प्रोवाइड किया जाएगा, नहीं तो जो फिजिकल्स और मेडिकल्स वहाँ से नहीं पास करते हैं वहाँ से आपको ये स्टूडेंट कम होते जाएंगे। बाय द वे, आपको फिजिकल्स और मेडिकल क्वालिफाई लगभग 5,000 लड़कों ने कर लिया, ठीक है। तो 5,000 लड़के को तो स्टूडेंट वो आपको कल सिलेक्शन तो नहीं कराएगा, उसको तो ओनली 2700 से मेडिकल बना मेरिट बनाना है। इसलिए बता दूँ जो उसके बाद हाई रैंक से चला आएगा, जो जिसका ज़्यादा नंबर है, मान लीजिए 100 में जिसका 80 है, फिर उसके बाद 75 है, 82 है, जिसका जिस प्रकार से होगा पहले 82 वाले का बनेगा, फिर 80 वाले का, फिर 75 वाले का, फिर 60 वाले को, उसके बाद जैसे जैसे बनते चले आएगा उस पाइक से आपका बनता चला आएगा रिजल्ट, और 2700 स्टूडेंटों का रिजल्ट बनने वाला है। तो ये रिजल्ट आपको किस दिन आएगा ये भी हम बात कर लेते हैं। चलिए यहाँ देख लेते हैं हम, आपने देखिए जैसे आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये जो एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा फिजिकल्स के लिए आपको 20 अक्टूबर 2019 को तो आपका रिजल्ट ही आएगा। तो उसके बाद आपके एक सप्ताह के बाद आपका फिजिकल्स का भी एडमिट कार्ड डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। रिजल्ट अपना देख सकते हैं 20 अक्टूबर 2019 को, और फाइनल जो बनने वाली है मेरिट वो 17 जनवरी 2020 को बन जाएगी आपको फाइनल मेरिट। अब हम बात करते हैं फिजिकल्स किस प्रकार होंगे इसके बारे में बात करते हैं। इस बार जो नया प्रोसेस फिजिकल्स का रखा गया है वो क्या रखा गया है इसके भी बारे में हम देख लेते हैं। तो अब हम बात करते हैं शारीरिक परीक्षा के द्वारा, शारीरिक परीक्षा किस प्रकार से होगी, स्वस्थ आप कैसे, क्या आपको करना है। तो PHT जो होगी, PFT जो आपको PFT होगी 1600 मीटर की रनिंग होगी, आपको 7 मिनट में क्वालिफाई करना है, 7 मिनट में क्वालिफाई करना है। 20 से क्या बोलते हैं 20 उठक बैठक करना है, और 10 पुशअप मारना है आपको। इसमें तीन काम करना है, पहले पहले आपको 1600 मीटर की रनिंग कंप्लीट करनी है 7 मिनट में, फिर आपको 20 सेटअप मारना है, फिर आपको 10 पुशअप मारना है। उसके बाद आप वहां से आएंगे तो आपको नेक्स्ट प्रक्रिया में आपको चेस्ट के लिए आपको
और हाइट के लिए बुलाया जाएगा। तो रनिंग क्वालिफाई करने के बाद आपको बता दूं, आपको चेस्ट न्यूनतम जो हाइट होनी चाहिए आपको 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और वजन और जो छाती होगा उसका अनुपात आपको होना चाहिए, नॉर्मली 77 रहता है, और उसके बाद आपको 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना पड़ेगा। आप बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो 5 सेंटीमीटर नहीं फुला पाते, आप प्रयास कर ले घर पे बहुत इजी तरह से फुलाने का, वहाँ 5 सेंटीमीटर आपको कम से कम फूल जाना चाहिए चेस्ट को। उसके बाद आप सारी चीज़ क्वालिफाई कर लेते हैं, तो उसके बाद आपको फिजिकल्स के बाद आपको मेडिकल के लिए ले जाया जाएगा। तो फ्रेंड, मेडिकल के लिए नया वीडियो हम लेकर आएंगे, जिसमें आपको बताएंगे कि मेडिकल किस किस प्रकार से होंगे और क्या क्या स्टेप आपको रखे जाएंगे। जब तक लिए जय हिंद दोस्तों, और नया अपडेट हम जल्दी लेकर आते हैं।